दोस्तों क्या आपका भी प्रॉब्लम है कि आप पासबुक चेक नहीं कर पा रहे हैं आप जब पीएफ के पोर्टल पर जा रहे हैं ईपीएफओ पोर्टल पर और पासबुक ओपन कर रहे हैं वहाँ पे या तो एरर आ रहा है या तो फिर आपका जो वो क्लिक होता है जहाँ पे आप ओपन करके देखते हैं वो आपका ओपन नहीं होता तो गाइस मैं आज आपको बहुत सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको कहीं पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं आप अपने मोबाइल में एक ऐप के थ्रू आप अपना पी का पासबुक यू कार्ड और और भी बहुत सारे ट्रांजन ट्रांजेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं वहाँ से आप ई पी एफ ओ पे एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से तो आपको सिंपली करना क्या होगा आपको सबसे पहले आपको ओपन करना होगा आपका प्ले स्टोर प्ले स्टोर में जाके आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसके थ्रू आप पी एफ़ का बैलेंस चेक कर सकते हैं ये कि यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको टाइप करना उमंग आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा मेरा जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं देखिए टू पॉइंट जीरो पॉइंट फिफ्टी नाइन का है एंड ट्वेंटी फोर्थ का रिसेंटली अभी अपडेट हुआ है एंड लगभग पाँच करोड़ से ज़्यादा भी लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं एंड्रॉइड एट पॉइंट जीरो वर्जिन वाले जो है मोबाइल उसी में चलेंगे और ये गवर्नमेंट का ऐप है अब इसमें टेंशन की बात कोई नहीं है इसका रिलीजिंग जो है ये ट्वेंटी एट मई टू थाउजेंड सेवेंटीन को ही रिलीज़ कर दिया गया था तो आप इसका बेनिफिट ले लीजिए आपको और कुछ डिस्कशन में देखना देख सकते हैं इसको आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड के बाद जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए बोल रहा है वो एग्री कर लीजिए और आप अपने पास यू एन नंबर जो है आप वो रखिए उसके थ्रू आप इसमें यू एन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने पासबुक का बैलेंस चेक कर सकते हैं और पी एफ का स्टेटमेंट देख सकते हैं और दूसरी कहते हैं कि अगर आपने क्लेम किया है तो उसका जो है प्रोसेस में है या रिजेक्ट हुआ है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सो so गाइस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए मैं आगे स्टेप बताता हूँ देखिए आपका ये अब मेरा ये इंस्टॉल हो गया है जो कि मैं ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया था तो मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ तो ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉग इन करने ला होगा अगर आप लॉग इन नहीं किए हैं देखिए आप डायरेक्टली एक यू एन नंबर डाल डाल के करेंगे तो आपको बार बार ऊपर आप सर्च करिए यहाँ पे ई पी एफ ओ यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे जैसे ही सर्च कर आप यहाँ पे देखिए लॉगिन के लिए पूछ रहा है तो लॉगिन जब आप करते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और नीचे आपने अगर आप लॉगिन पहले से कर लिया तो यहाँ पे एम पिन डाल के आप, आप प्रोसेस करते आप आप के आप आप कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम करें नीचे देखिए यहाँ पे रजिस्टर हियर लिखा है नीचे लॉगिन के नीचे आप इस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपके पास लॉग इन आई है पहले से तो आप इसको लॉगिन तो मेरे पास है तो मैं इसको लॉगिन ऊपर मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ नीचे मुझे एम पिन पता है तो मैं एम पिन डाल दूंगा या फिर अगर एम पिन नहीं पता है तो आप लॉग इन विथ ओ जो ऑप्शन है उस पर ही आप करके आपको मोबाइल नंबर पर ओ भेज दिया जाएगा और उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं अगर नहीं आप रजिस्टर किए हैं तो नीचे आपको जो बताया मैंने वहाँ से आप रजिस्टर कर लीजिए सो मेरा ये लॉग हो गया अब ऊपर सर्च करेंगे यहाँ पे ई पी एफ ओ सब टॉप में देखिए सर्च बार जो है ऑप्शन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको करना होगा ई पी एफ़ ओ लिख के टाइप करना होगा और उसके बाद आपका ये आ जाएगा तो चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं ऊपर टाइप करके और यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको क्या प्रोसेस है तो यहाँ पे देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ ई पी एफ ओ गाइस यही सर्च करना है तो आपका पी एफ वाला जो है ऑप्शन वो आ जाएगा अब जैसे ही सर्च करते हैं देखिए नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो आप अपने हिसाब से जो आपकी क्यूरी है जिसके रिलेटेड है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसको आगे आप देख सकते हैं देखिए आपको नीचे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे के वाई सी भी सर्विस दिया है मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन मतलब पीएफ के रिलेटेड जितने भी हैं यहाँ पे सब लिस्टेड हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू सभी चीज़ें कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आप आ, पी एफ़ का पासबुक ऐसे देख सकते हैं तो देखिए सबसे नीचे आ जाइए यहाँ पे आ, और नीचे थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे एक देखिए रेस क्लेम भी है यहाँ से आप क्लेम भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रैक क्लेम भी दिया देखिए व्यू पासबुक सेकंड लास्ट ऑप्शन से ये है अब इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक नया विंडो खुलेगा और यहाँ पर डिटेल्स क्या क्या पूछेगा बता दो अब देखिए ये खुल गया है ठीक है ये वापस कर आप देखिए जिस पे अगर आप मान लीजिए व्यू पासबुक में क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यू नंबर पूछेगा तो बेसिकली आप यहाँ पे जो राइट में देखिए लिखा है लॉग इन अगर आप इसको लॉग इन कर लेते हैं तो आपको बार बार यू एन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको एक ही बार डालने से आप सभी प्रोसेस आप एक साथ कर सकते हो यहाँ पे आपको डालना होगा यू ए एन नंबर आपका और उसके बाद आपको जो आधार कार्ड जिससे लिंक है उस पर आपको एक जाएगा ओ टी पी और वो ओ टी पी आपको यहाँ पे नीचे डालना होगा जैसे ही आप ओ टी पे इंटर करते हैं आपका जो ये खुल जाएगा तो आप एक ही बार में ही मतलब जैसे आप एक बार रोटी भी डाल दिए उसके बाद आप अलग अलग स्टेप जो भी है यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं जैसे कि आप पासबुक दे, देखना है वो देख सकते हैं बैलेंस चेक कर सकते देख सकते हैं एडवांस अप्लाई करना है वो कर सकते हैं तो एक ही बार में अब ये देखिए मेरा खुल गया अब खुल गया जितने भी इम्प्लॉयर आपका है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेंगे तो आपका जो भी इम्प्लॉयर का रिलेटेड आपको देखना है तो मैं जैसे मेरे फर्स्ट वाला है और फर्स्ट पे क्लिक कलूंगा देखिए मेरा ये पासबुक खुल गया तो मेरा करेंट करेंट बैलेंस जो एम्प्लॉज है वो दिखा देगा एम्प्लॉयर्स है दिखा देगा पेंशन कंट्रीब्यूशन दिखा देगा नीचे जो है लास्ट का आपका ट्रांजेक्शन जो अभी क्रेडिट हुआ रहेगा वो सब दिखा देंगे तो वो वो सब आपको देख सकते हैं डिटेल्स तो इसी तरीके से आप बाकी डिटेल्स आप देखिए बाकी अगर मान लीजिए कोई और दूसरा दूसरा देखना है ट्रैक क्लेम देखना है नीचे डिटेल्स हाँ तो मेंबर डिटेल्स देखना है वो सब देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगे अब देखिए मेंबर डिटेल में यहाँ पे रेस क्लेम में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ नीचे अकाउंट नंबर डालना है देखिए मिडिल में लिखा है और आपका जो ये एडवांस क्लेम के लिए ये हो जाएगा यहाँ से प्रोसेस तो मैं अभी उसके लिए फिलहाल वीडियो नहीं बनाया और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मैं आपको उसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप उमंग ऐप से कैसे एडवांस पी क्लेम कर सकते हैं तो इसके लिए फ़िलहाल अभी मैं वीडियो नहीं बना अभी मैंने फ़िलहाल बनाया था कि आप पासबुक का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं आपका पी का स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं कि कितना आया कितना बैलेंस है तो ये सब सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे देखिए ट्रैकिंग आईडी है अभी देखिए मैंने रिसेंटली एक अप्लाई किया है यहाँ पे तो ये दिखा रहा है कि अंडर प्रोसेस है और इसके पहले जो दिखा है कि वहाँ पे देखिए वो क्लेम सेटल्ड मतलब हमारा जो पैसा है वो हमको मिल चुका है सेटल मतलब वो आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया है और अंडर प्रोसेस मतलब अभी भी वो जो पी के जो इम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट वाले वो अभी आपके रिक्वेस्ट पर काम कर रहे हैं तो जैसे ही आपका अप्रूव होता है तो यहाँ पर लिख के आएगा कि क्लेम सेटल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर फेल्ड होता है तो यहाँ पर लिख के आएगा रिजेक्टेड तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं आपका अगर यू ए एन कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है आप अपना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए आपका जो है पी यू एन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा अब यहाँ पे सबमिट मैंने कर दिया देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है कार्ड अब ये यू एन यू नंबर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट रख सकते हैं देखिए यहाँ पे डाउनलोड करके नीचे डाउनलोड का बटन दिया है अगर आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आया कि आप कैसे पीएफ चेक कर सकते हैं कैसे आप पीएफ का यू कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कैसे आप क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं कैसे आप लॉग कर सकते हैं तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको क्लियरली बता दिया हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आएगा सो दोस्तों चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के लाता रहता हूँ सो चलिए मिलेंगे जल्द से जल्द एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय